तो हमारी सरकार अगर घोषणा पत्र में रेडी टू एड देने की बात कही है स्वयं सहायता समूहों के लिए, तो निश्चित ही हम उनको दिलाएंगे ही। शिक्षा कर्मी जिस तरह से आंदोलन किए थे, निश्चित तौर पे हम चर्चा करके इसको इस पे क्या हो सकता है चर्चा करेंगे। जो अनियमितताएं थी आपके विभाग में, महिला बाल विकास को लेकर अनियमितताएं थी, अधिकारी थे जो इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, उन अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? हमारे साथ छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो पिछले समय कांग्रेस के जो शासन था, उस समय रेडी टू ईट का काम पूरा प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया था। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं काफ़ी दिन तक इसको लेकर आंदोलनरत थी, आपके नेता भी वहाँ गए थे, उनको समर्थन किया था और एक कमिटमेंट उनसे किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो ये काम उनको सौंप दिया जाएगा। ये निर्णय कब तक होगा? जी, निश्चित तौर पे हम इन 5 सालों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए काफ़ी आंदोलन भी किए, धरना प्रदर्शन किए। तो हमारी सरकार अगर घोषणा पत्र में रेडी टू एड देने की बात कही है स्वयं सहायता समूह के लिए, तो निश्चित ही हम उनको दिलाएंगे ही। थोड़ा सा इस पे चर्चाएं हो रही है, बहुत जल्दी उनको मिलेगा। इसी तरह एक और मांगे थी कि ये जो शिक्षा कर्मी हैं, वो दिवंगत हो गए थे कोरोना काल में, उनकी जो विधवाएं हैं बहुत समय तक मोतीबाग जो धरना स्थल है वहाँ पे धरने पर बैठी हुई थी, लगभग 1 साल तक थी। उन्होंने वहीं पे दिवाली मनाई, दशहरा मनाया, कुछ लोगों ने तो सर भी मुड़वा लिया था, जल सत्याग्रह भी किया था, बहुत किया था। आपके भी नेता वहाँ पर गए थे, उनकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई, लगातार सब लोगों से मिल रहे हैं। एक महिला होने के नाते आप इसको लेकर क्या कर सकते हैं? जी देखिए, शिक्षा कर्मी जिस तरह से आंदोलन किए थे, निश्चित तौर पे हम चर्चा करके इसको इस पे क्या हो सकता है चर्चा करेंगे। विभागीय समीक्षा हुई, बैठक हुई, अब आपके विभाग की प्राथमिकताएं क्या होगी महिलाओं के लिए और अपने विभाग से संबंधित के लिए क्या आपकी प्लानिंग चल रही है? जी, मेरी जो विभाग है और मेरे जो विभाग में मुझसे जो हो पाएगा वो मैं पूरा प्रयास करूंगी अच्छा से अच्छा करने के लिए। जी, जो अनियमितताएं थी आपके विभाग में, महिला बाल विकास को लेकर अनियमितताएं थी, अधिकारी थे जो इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, उन अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जी देखिए, इन 5 सालों में जिस तरह से कहना चाहिए, यही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थे। मैं अधिकारियों को यही कहना चाहूँगी कि वो 5 साल के कार्यकाल ख़त्म हो चुके हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में और हम पूरे साफ सुथरे के साथ, पारदर्शी के साथ काम करेंगे। जो उनकी जो कहना चाहिए उनकी जो गुंडागर्दी थी वो अब नहीं चलेगी। जी, तो ये थी लक्ष्मी राजवाड़े जी और उन्होंने कहा कि अधिकारी, जो अधिकारी भ्रष्टाचार घोटाले में लिप्त थे और पिछली सरकार के जो काले कारनामे थे उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, उनको उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अब कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार घोटाले नहीं चलेंगे, तो ईमानदारी से काम करें, ऐसा उन्होंने कहा। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।